नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जो फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाकर दर्शकों को हैरान कर देते हैं। अपनी यूनिक एक्टिंग स्किल से नवाज ने जनता का खूब दिल जीता। हाल ही में वो हड्डी फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें उन्होंने एक महिला का किरदार निभाया है। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत में नवाज ने कहा कि अगर मैं महिला का कैरेक्टर निभाता हूँ तो उसके लिए मुझे महिला के जैसे ही सोचना पड़ेगा। कपड़े, हेयर स्टाइल और मेकअप, इन सभी चीजों के लिए एक्सपर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, मगर उस किरदार में ढलने के लिए इंटरनल प्रोसेस होती है। महिला का किरदार निभाने के लिए आपको एक महिला के नजरिए से सोचना होता है, जो कि हड्डी फिल्म मेरे लिए मुश्किल टास्क है। नवाज ने बताया कि शूटिंग के दिनों में मुझे लुक ट्रांसफॉर्मेशन में घंटों का समय लग जाता था। बाल, मेकअप, कपड़े, नेल्स, बहुत सारा तामझाम हो जाता है। ऐसा लगता है पूरा संसार साथ लेकर चल रहे हों। मुझे अब समझ आया कि महिलाओं को वैनिटी वैन में इतना ज्यादा समय क्यों लग जाता है। इतनी चीजों के साथ समय लगना लाजमी है। मुझे लगता है कि इस किरदार को निभाने के बाद मेरे अंदर और भी ज्यादा पेशेंस बढ़ जाएगा। फिल्म के बारे में बात करें तो महिला और ट्रांसजेंडर दोनों का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म में उनका डबल रोल है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म निर्देशक अक्षत करीब 4 साल से मेरे साथ फिल्म में काम करना चाहते थे। हड्डी फिल्म पर तेजी से काम चल रहा है और ऐसे में उम्मीद है कि अगले साल फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। नवाज के फैंस उनके इस फिल्म का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही हैं। ऐसे में इस नए लुक ने हड्डी फिल्म को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।